एटलीस्ट टिल दिसंबर टिल जनवरी मिड यू स्टार्ट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन लाइक फुल ऑन प्रीलिम्स प्रिपरेशन इन बिटवीन जनवरी मिड टू जनवरी एंड 15 से 30 जनवरी के बीच में यू स्टार्ट समवेयर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन एक्सक्लूसिवली उसमें सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ना है फॉर 4 मंथ्स क्योंकि द नेचर ऑफ प्रीलिम्स इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल. तो एटलीस्ट गिव 4 मंथ्स भले ही आपने पहले प्रीलिम्स कितनी भी बार क्लियर करके रखा हो. आई थिंक 3 मंथ्स डेडिकेटेडली सबको पढ़ना चाहिए. आप 4 रख लीजिए फॉर पीपल हु आर गोइंग टू अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड सी द प्रीलिम्स का जो मैं मुझे लगता है व्हाट इज द यू नो थिंग या कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए. सबसे पहले तो जो बेसिक बुक्स हैं प्रीलिम्स की जो हम सबको पता है एंड वी ऑल नो एंड वी ऑल स्टडी फ्रॉम द सेम बुक्स बट स्टिल देर आर सम पीपल हु क्लियर एंड सम हु डोंट क्लियर. व्हाट इज द डिफरेंस इज दैट हम अपने सोर्सेज एक्सपैंड करते चले जाते हैं. यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेज. आप सिर्फ और सिर्फ वो 6 बुक्स पढ़िए जो हर कोई बच्चा पढ़ रहा है. सो फॉर पॉलिटी देर इज लक्ष्मीकांत. प्लीज डू नॉट रीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. सिमिलरली फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपने जो पढ़ा है इफ यू हैव रेड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा प्लीज स्टिक टू दैट. और इफ यू हैव रेड राजीव अहिर का स्पेक्ट्रम यू स्टिक टू दैट बट डोंट रीड बोथ ऑफ देम. एंड ज्योग्राफी में यू रीड जो 4 एनसीईआरटीज हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th की दो दो एनसीईआरटीज रीड देम थरली. एंड जीसी लियोंग का क्लाइमेट वाला जो पार्ट है रीड दैट पोर्शन इन फॉर ज्योग्राफी स्पेशली. ज्योग्राफी में व्हाट यू हैव टू एक्स्ट्रा जो आपको करना रहता है वो एटलस वाला पार्ट होता है वेर यू हैव टू गो थ्रू द वर्ल्ड मैप इंडिया मैप वो आपको बहुत अच्छे से कवर करना होता है बिकॉज मोस्टली वी सी की क्वेश्चन इन ज्योग्राफी आर मैप बेस्ड क्वेश्चन. देन जो आप करते हैं इकोनॉमी में सी देर आर टू सोर्सेस. एक तो मृणाल सर के कुछ लोग नोट्स फॉलो करते हैं एंड एक श्रीराम का भी एक बुक आता है. मैंने दोनों देखा था बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप दोनों देखें. मृणाल सर का प्रोज ये है कि वो समझा देते हैं इसी लैंग्वेज में होता है सो पीपल गो फॉर दैट एंड दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्सो. बट उसका ये डाउनफॉल मुझे लगता है कि वो 1000 पेज का हो गया है अब एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज सच अ बल्की बुक. श्रीराम सर का बुक का इट्स गुड पार्ट इज कि वो छोटा है किताब एंड यू कैन इजीली रिवाइज इट एंड अगेन इट इज इन अ वेरी गुड लैंग्वेज. सो आई प्रेफर्ड स्टिकिंग टू श्रीराम वाला बुक फॉर इकोनॉमी जहां तक आई कुड फिगर आउट. साइंस एंड टेक में देर इज नथिंग नो नीड टू रीड एनी एनसीईआरटी फॉर एनी काइंड. इवन इफ यू आर अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट देर इज आई डोंट थिंक देर इज एनी नीड टू रीड एनसीईआरटीज फॉर साइंस एंड टेक. एट मैक्स आप न्यूज़पेपर पढ़िए साइंस एंड टेक के लिए. एंड लास्ट में जो आपका कोई भी करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप अच्छे से कीजिए एंड ट्राई टू गूगल द टर्म्स. इफ देयर इज एनी न्यू टर्म दैट इज कमिंग इन न्यूज़पेपर या यू आर सीइंग इन मंथली मैगजीन ट्राई टू गूगल इट. बी वेरी इंक्विजिटिव व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक इज व्हाट आई मीन टू से. फिर आर्ट एंड कल्चर इज समथिंग जो हम छोड़ देते हैं उसे छोड़ना नहीं है. यू रीड नितिन सिंघानिया'स बुक. उस बुक को कवर टू कवर नहीं पढ़ना है. यू सी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड थीम्स इन चैप्टर्स जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप वो लीजिए और वो वाले टॉपिक को वहां से कीजिए. एंड एंशियंट मेडिवल जो अभी तक नहीं आ रहा था बट नाउ सिंस 2020 यूपीएससी हैज शिफ्टेड टू एंशियंट एंड मेडिवल ऑल्सो. उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए. दोनों एनसीईआरटी बहुत अच्छी हैं और दे हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन गुड डिटेल. तो यू रीड बोथ द एनसीईआरटी सतीश चंद्रा वन फॉर मेडिवल एंड आर एस शर्मा फॉर योर एंशियंट वाला. इसके अलावा आई वुड से प्रीलिम्स में और कोई बुक्स नहीं पढ़ना है. कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं करनी है. कोई अलग से किताब नहीं होगी वेर यू विल गेट दोज क्वेश्चंस. तो दिस इज वन मिस्टेक दैट पीपल जनरली डू फॉर प्रीलिम्स. सेकेंड जब आपका ये एक रीडिंग हो जाए इन सब बुक्स का आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं एंड यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ टेस्ट पेपर्स. सी बिकॉज 30 क्वेश्चंस यू विल नो इन प्रीलिम्स जो आप अपने इस नॉलेज से सॉल्व कर पाएंगे. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है यू हैव टू सॉल्व ऑन द स्पॉट एंड वो तभी हो पाएगा व्हेन यू हैव दैट हैबिट ऑफ इंटेलिजेंट गेसिंग इलिमिनेशन जो हम बोलते हैं. यू हैव टू डू दैट. सो वो उसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे. यू एक्चुअली हैव टू गो बैक एंड यू विल हैव टू सिट इन योर रूम एंड राइट द टेस्ट पेपर्स इन द एनवायरमेंट ऑफ द एग्जाम इटसेल्फ. 2 घंटे में आप टेस्ट लिखिए ओएमआर शीट पे आप मार्क भी कीजिए अगर आप करना चाहें तो. एंड देन सी वेयर यू आर यू नो लैकिंग. आप कहाँ पे लैक कर रहे. अराउंड 60 to 70 पेपर्स आप लिख के जाइए अगर आपका फर्स्ट प्रीलिम्स है तो. दिस इज अ मस्ट. एंड द थर्ड थिंग जो आपको नहीं भूलना है दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जितना पीछे जा सके आई वुड से उतना पीछे जाइए एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई यूपीएससी का क्या पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का. सो देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी व्हिच दे यूज इन प्रीलिम्स. अगर आप उस लैंग्वेज से फेमिलियराइज हो जाते हैं सो दैट विल हेल्प यू इन द मेन एग्जाम. वो कोई कोचिंग विल नॉट बी एबल टू रेप्लीकेट दैट लैंग्वेज व्हिच यूपीएससी यूजेस. तो उसमें पीवाईक्यूज विल कम वेरी वेरी हैंडी टू यू. बस ये 3 चीजें आपको
यू नो लूप पर चलानी है. यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, यू हैव टू राइट टेस्ट एंड यू हैव टू सॉल्व PYQs. एंड जब आप ये कर लेते हैं ईमानदारी से, आई डोंट थिंक प्रीलिम्स शुड बी डिफिकल्ट. व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर प्रीलिम्स. And did you manage?